सत श्री अकाल, हरजीत की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ बची हुई रोटी से टेस्टी और हेल्दी सा स्नैक्स। जब भी रोटी बच जाए तो आप उससे ये स्नैक्स बना सकते हो। इससे आपकी रोटी भी यूज़ हो जाएगी, साथ ही बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो फिर देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। ये है मेरे पास दो लेफ्ट ओवर रोटियाँ, यानी बची हुई रोटियाँ। ये सुबह की बची हुई रोटियाँ हैं, तो इनको मैं वेस्ट नहीं करूँगी। इससे मैं बना रही बहुत ही हेल्दी सा स्नैक्स। तो इसके लिए क्या करना है, इसको तोड़ लेंगे रोटियों को, और ले लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें डाल देंगे रोटियाँ, इनको पीस लेंगे। तो अब ये मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें डाल लेंगे पीसी हुई रोटियाँ। तो ये देखिए ऐसी हो गई हैं, बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह नहीं होंगी। अब इस स्नैक्स को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी वेजीज मिला रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मिला रही हूँ 2 से 3 चम्मच के करीब ग्रेट करके गाजर को, और साथ में इसमें मैं मिला रही हूँ फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, ये मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है। तो इसको आप थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हो, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है स्नैक्स में, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और एक छोटे साइज़ के प्याज को छोटा छोटा काट कर लेना है। अब ये 1 स्पून मैंने लिया है अदरक काट कर, चाहे तो आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हो इसमें। 1 से 2 हरी मिर्च मिला लेंगे, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। नहीं मिलाना चाहते तो हरी मिर्च स्किप कर देना। थोड़ा सा हरा धनिया मिला लेते हैं। अब इसमें मिलाएंगे आलू। तो ये एक मैंने बड़े साइज़ के उबले हुए आलू को मैश करके लिया है। इसको मिलाने से एक तो स्नैक्स का टेस्ट भी अच्छा आएगा, साथ ही स्नैक्स में बाइंडिंग भी आएगी, वो अच्छी तरह से शेप ले पाएगा। तो अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। इसमें आप अपनी पसंद की कोई और सब्जियां भी मिला सकते हो, या फिर आप इसमें आपको जो सब्जी पसंद नहीं है उसे स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें मिलाएंगे मसाले। तो सबसे पहले नमक मिलाना है, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार मिलाना। 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर मिला लेंगे। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे चाट मसाला। अब इसमें मैं मिला रही हूँ 1/2 नींबू का रस। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि हमने इसमें चाट मसाला भी मिलाया है, पर इसको डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। अब सब चीज़ों को हमने मिक्स करना है, और इसका हमने डो सा तैयार करना है। तो अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, पर ये थोड़ा सा सूखा लग रहा है। अगर आपको भी डो मिक्स होने में लगे कि बहुत सूखा है, तो थोड़ा सा आप इसमें पानी मिला सकते हो। तो 2 चम्मच के करीब मैंने पानी मिलाया है। तो ये डिपेंड करता है आलू की क्वालिटी पर। कई बार आलू जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाले होते हैं, तब फिर पानी मिलाना नहीं पड़ता है, और कई बार सूखे सूखे से होते हैं, तो फिर थोड़ा सा आपको पानी मिलाना पड़ सकता है। तो अब ये डो तैयार हो गया है, तो इससे अब हमने स्नैक्स बनाना है। तो इसके लिए हाथों पर पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, जिससे कि हाथ पर ये चिपकेगा नहीं। अब थोड़ा सा डो ले लेंगे और इससे शेप देंगे। स्नैक्स की शेप तो आप कोई भी दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसकी शेप दे रही हूँ स्क्वायर में। देखिए स्क्वायर बना लिया है। अब आगे और पीछे से थोड़ा सा इसको इस तरह से दबा देंगे। देखिए इस तरह से कर लेंगे, और ये देखिए कितनी अच्छी इसकी शेप बन गई है। आप चाहे तो इसे सर्कल शेप में बना सकते हो, या फिर स्क्वायर शेप में भी बना सकते हो। इस तरह से ही सारे पीस तैयार करने हैं। इनको तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये स्नैक्स बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अब इनको करना है फ्राई। तो इसके लिए ये मैंने पैन में थोड़ा ऑयल गर्म कर लिया है। ऑयल हमें ज़्यादा नहीं लेना है, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल है ये, क्योंकि हम इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं। तो ऑयल को मैंने मीडियम गर्म किया है, गैस की फ्लेम को भी आपने मीडियम रखना है, एकदम ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं करना है। अब इसमें हम एक एक करके स्नैक्स को डाल लेंगे, जितने आराम से पूरे आए उतने ही डालेंगे। इसको मैं 2 बार में फ्राई करूँगी, 1 बार में पूरे नहीं आ रहे हैं। तो शुरू में इनको हमने 1/2 से 1 मिनट तक हिलाना नहीं है। अब ये देखें नीचे से लग रहा है कि थोड़े थोड़े ये फ्राई हो गए हैं, तो इनको मैं पलट रही हूँ। इनको पलटने के लिए मैंने फॉक ले लिया, इससे कर लेंगे। अगर इससे आपको इजी ना लगे फॉक से, तो आप एक स्पैचुला भी ले सकते हो। दोनों हाथ से करेंगे, एक हाथ में स्पैचुला ले लेंगे, एक हाथ से फॉक, तो बड़े आराम से हो जाएगा। इस साइड से इनका कलर बहुत ही अच्छा आ गया है, तो दूसरी साइड से भी इन्हें फ्राई होने देंगे। इस तरह से ही हम इनको पलट पलट कर फ्राई करेंगे। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं।
अब ये तैयार हो गए हैं, दोनों साइड से इनका कलर भी अच्छा आ गया और क्रिस्पी भी हो गए हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। अब ये हो गए हैं तैयार, तो मैं आपको पास से एक पीस दिखाती हूँ। ये देखिए आप कितने अच्छे बनते हैं, और इनको बनाने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसमें हमने काफ़ी सारी सब्जियों का भी यूज़ किया है, ऑयल भी बहुत कम इसमें यूज़ होता है, तो जब भी रोटी बच जाए तो उसका बहुत ही अच्छा यूज़ है ये। क्योंकि बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस तरह से उनको बना कर दे सकते हो। वैसे आप इसको फ्रेश रोटी से भी बना सकते हो, जब बच्चों को कोई सब्जी पसंद नहीं है तब भी आप इस तरह से बना कर फटाफट उन्हें दे सकते हो। तो फिर आप इन्हें घर पर बनाएं और अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी आई हो पसंद, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।